देना चाहेंगे? उच्च नेतृत्व ने जो माननीय मोदी जी योगी जी ने इतना विकास किया है और संगठन मिर्जापुर का संगठन और जनता, चुनाव मैंने नहीं लड़ा, संगठन और जनता ने लड़ा, खुद लड़ा, मैं तो कोई भी मेहनत नहीं किया। बिंद कॉरिडोर सबसे बड़ा मतलब आपका काम रहा है अभी तक देखा जाए, बिंद कॉरिडोर में जो सुस्ती आई उसको तेजी कैसे पकड़ाएंगे आप? जानते हैं जब चुनाव आता है सुस्ती आ ही जाता है, क्योंकि उसमें चुनाव आयोग का चलता है, किसी राजनेता या किसी का नहीं, उसमें तमाम काम रुक जाता है। अब इसके बाद जहाँ ये ख़त्म होगा आचार संहिता, उसके बाद अच्छा क्या लगता है मिर्ज़ापुर में कोई उद्योग धंधा नहीं उस तरीके का है, तो क्या आपको लगता है कि आपको जनता ने आप बार बार मैं कहते हैं कि बिंद कॉरिडोर झाकी है मिर्ज़ापुर का विकास, बाकी उसी में सब होगा। मतलब अभी जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास की जो तेजी है अब जोर पकड़ेगी। जी तो देना चाहेंगे प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री की जो धरातल पे योजनाएं गरीबों के लिए वंचितों के लिए उतारी गई, उन योजनाओं की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल कार्यकर्ता और चुनार की महान जनता की बदौलत यह जीत हासिल किए हैं, मैं सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपके पिताजी ओम प्रकाश जी मंत्री रहे लगातार चुनार से, उन्होंने काफ़ी विकास किया, तो क्या ये चुनार की जनता माने कि इस बार मंत्री पद मिलेगा? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या होना है, ये तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में, नेतृत्व संगठन जो तय करेगा उन दायित्वों का मैं निर्वहन। दो ऐसे काम जो लगे आपको लग रहा हो कि ये अधूरे रह गए या पूरा होना चाहिए या बड़ा काम इस कार्यक्रम में? चुनार के किलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, ये एक पिछले समय से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार वो मूर्त रूप लेगा, और चुनार विधानसभा के जो गाँव के सीवर सिस्टम की समस्याएं हैं विकट रूप से सभी गांव में मैं देख रहा हूं, उस पर कुछ कार्य करने की योजना है। ठीक है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए 2022 के चुनाव में मणिहान की जनता, हमारे मणिहान की देवतुल्य जनता ने मुझे दोबारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजा है, मैं पूरा श्रेय मणिहान की जनता को दूँगा। अब ये बताइए कि संभावना ये फिर जताई जा रही है कि मंत्रालय आपको मिलेगा? ये तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है, प्रदेश नेतृत्व और देश नेतृत्व ने जो भी निर्णय लेगा वह स्वीकार्य है, यह भाजपा की संगठन है, हम कोई अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, लेकिन संगठन जो भी दायित्व मिलेगा उसका ईमानदारी से निर्वहन। दो ऐसे काम जो आपको लगता हो कि अभी अधूरे छूटे हो उसको पूरा करना है? देखिए मणिहाल विधानसभा में बहुत काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य महत्वपूर्ण हैं, वहाँ पेयजल की समस्या थी, उसका कार्य शुरू है, उसको पूरा कराना, और सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना बाकी है, कोरोना काल के कारण नहीं कर पाए, लेकिन इस बार सिंचाई के लिए बेहतरीन व्यवस्था करूंगा। ठीक, जीत का श्रेय हम अपने क्षेत्र के, सबसे पहले हम अपने छानबे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने हमारे पर दूसरी बार विश्वास किया, इसलिए हम पूरे क्षेत्र के, अपने छानबे क्षेत्र के जनता के चरणों में शीश नमन करते हुए प्रणाम करते हैं और पूरा पूरा श्रेय और पूरा पूरा उनको धन्यवाद उन्हीं को देते हैं। सरकार में कौन सा ऐसा रह गया जो करेंगे आप काम बाकी? भाई साहब वैसे भी आप जानते हैं कि सरकार प्रदेश में सुशासन का राज, विकास का राज, राष्ट्रवाद और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा था, गरीब कल्याण को आगे लेकर बढ़े थे, इन सब का भी श्रेय मिला है, और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं सिंचाई, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह गई हों और कुछ जगह सड़कों की समस्याएं रह गई हों, इन सब पर हम चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन के सभी घटक को देना चाहता हूँ, साथ साथ इस मझवा की जनता ने, हर जाति धर्म के लोगों ने जो सहयोग प्यार समर्थन दिया, मैं उनका हमेशा आभारी हूँ, उनके हर साथ हमेशा सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूँगा। मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं और आपने सेवा भी की है इस क्षेत्र की, तो आपका योजना क्या है? मतलब देखिए चाहे मेडिकल लाइन हो चाहे किसी भी लाइन है, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो सबका दायित्व होता है कि अपने देश की जनता के जो निचले पैदान पर खड़े लोग हैं उनकी सेवा करें, उनके देश हित में काम करें। अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से बहुत यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना मेहनत किया, जितना मेरे पर भरोसा जताया और आप लोगों ने जो प्यार दिया, मैं आपका जो है शुद्ध अभ्यास सही कर्ज उतारने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।